हेलो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो हर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को बिगाड़ सकती हैं। कई बार हम इनमें से ऐसी दवाइयां लेते रहते हैं, हमारे कोई कारण से, कोई दूसरी बीमारी की वजह से दवाइयां चालू रहती हैं, हम ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि ये दवाइयां हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल को भी अफेक्ट कर सकती है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। आज हम बात करेंगे उन दवाइयों के बारे में जो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को बिगाड़ सकती है, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि यदि ये दवाइयाँ चल रही है तो आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कर सकें कि ये दवाइयाँ देने से ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट हो सकता है और उसको अगर बीपी की दवाइयों का डोज बढ़ाने की आवश्यकता है तो बढ़ा सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे कॉमन दवाई जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर सकती है वह नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी सिंपल पेन किलर्स, जैसे कि आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, एस्प्रिन है, ये सब एनएसएड्स में आती है। ये ग्रुप की मेडिसिन लंबे समय तक चलती है, इनफैक्ट कार्डियक पेशेंट्स को भी लंबे समय तक ये मेडिसिन चलती है, जो कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ सकती है। तो अगर ये दवाई आपको चल रही है, चाहे जॉइंट पेन की वजह से या किसी शरीर के और जगह में आपको पेन हो रहा है उसकी वजह से लंबे समय तक पेन किलर्स चल रही है, या हार्ट पेशेंट्स को अगर एस्पिरिन चल रही है जो कि ऑलमोस्ट 95% पेशेंट्स को दी जाती है, तो वैसे पेशेंट्स में आपको ब्लड प्रेशर की कंट्रोल में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, दवाइयों का डोज बढ़ाना पड़ सकता है। इसके अलावा जुकाम के लिए नेजल डीकंजेस्टेंस जो दिए जाते हैं, इसमें फिनाइलएफ्रिन और सूडोएफेड्रिन ये केमिकल्स होते हैं जो कि नाक के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको दबाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंजेशन नहीं हो या सिक्रीशंस नहीं हो। पर ये दवाइयाँ जो है ये शरीर की आर्टरीज को भी कंस्ट्रक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो अगर डीकंजेस्टेंट आपको चल रहा है जुकाम के लिए तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसके अलावा कुछ एंटी डिप्रेशन जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन या इमिप्रामिन, ये जो डिप्रेशन के लिए चलती है, इनसे भी ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो फीमेल पेशेंट में प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, ये भी ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं। स्टीरॉयड्स जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ये बहुत सारे इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड कंडीशन, जॉइंट की प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए दी जाती है, कई बार लंबे समय के लिए भी दी जाती है, ये भी ब्लड प्रेशर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। इसके अलावा इम्यूनिटी सप्रेस करने वाली जो दूसरी मेडिसिन है जैसे साइक्रोस्पोरिन और टैक्रोलिमस, ये कई बार कैंसर के पेशेंट्स को या इम्यूनिटी कम करने वाले बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो इम्यून रिलेटेड होती है उसमें दी जाती हैं, ये भी आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं। कुछ स्टिमुलेंट मेडिसिंस जो कि ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए एम्फेटामिन्स वगैरह दी जाती हैं, ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स जैसे लिकोराइस और जिनसिंग, ये भी आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। इसके अलावा कैफीन जो कि कई बार नींद की प्रॉब्लम के लिए भी दिया जाता है, कैफीन कई बार माइग्रेन वगैरह के पेशेंट्स को भी दिया जाता है, सिंपल चाय कॉफ़ी में भी कैफीन होता है, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। अल्कोहल ऑब्वियसली कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अल्कोहल को लेते हैं, अल्कोहल के साथ मिक्स्ड कई मेडिसिन आती हैं, अल्कोहल के टिंक्चर्स आते हैं, ये सारे चीज़ें जो है आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। माइग्रेन के लिए दी जाने वाली कुछ मेडिसिन जैसे कि ट्रिप्टान ग्रुप की मेडिसिन है, सुमाट्रिप्टान वगैरह जो काफ़ी कॉमनली माइग्रेन में दी जाती है, ये भी आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। इसके अलावा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी ब्रेन की जो बीमारी है, इसमें कुछ एम्फेटामिन्स दिए जा सकती है जैसे एडरॉल, ये भी आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। ये सारी चीज़ें ब्रेन को तो एक्टिवेट करती है लेकिन आपकी नलियों को भी प्रॉब्लम कर सकती है, इसकी वजह से नलियाँ थोड़ी सिकुड़ जाती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल गड़बड़ हो जाता है। कुछ वेट लॉस की मेडिसिन जैसे फेंटेरामिन, ये भी ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। तो वेट लॉस के लिए हर मेडिसिन ऐसा करेगी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ये ग्रुप की मेडिसिन जैसे फेंटेरामिन है वो अगर चल रही हो तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स है जो आपकी श्वास की नलियों को डायलेट करने के लिए अस्थमा के पेशेंट्स में दिया जाता है, वो ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन में भी कुछ बीपी बढ़ाने की प्रॉपर्टीज होती है, ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। आँखों में इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम या किसी को अगर ड्राई आई की प्रॉब्लम है तो उसमें साइक्रोस्पोरिन के आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ये भी आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बीपी को बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये ड्रॉप्स आपको चल रहे हैं तो आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की आवश्यकता है। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स जैसे कि किंगो बायलोबा, सेंट जॉर्ज वोर्ट,
ये जो है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ये हर्बल सप्लीमेंट्स अलग अलग चीज़ों के लिए दिए जाते हैं, ये आपके लिए उतने अच्छे नहीं हैं और आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। हालांकि देखिए, जिस बीमारी के लिए दिए जाते हैं वहाँ फ़ायदा करते हैं, लेकिन आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा कई बार मेनोपॉज आने के बाद या मासिक जाना खत्म होने के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है कई बार लोगों को, वो एस्ट्रोजन उसमें जो कंटेंट होता है वो भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल को अफेक्ट कर सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के बाद जब मेनोपॉज फीमेल में आ जाता है 40-45 की उम्र के बाद, वहाँ पे जब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है ताकि उनको सिम्टम्स ना हो, उससे भी आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में फ़र्क पड़ सकता है। कुछ मिर्गी की दवाइयाँ जैसे कार्बामेज़ेपिन और वैलप्रोएट जो है जो मिर्गी के लिए दिया जाता है, कई बार ये मस्कुलर पेन या न्यूरोपैथिक पेन के लिए भी दिया जाता है, उसमें भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो बेसिकली आपको ये जानने और समझने की और इस लिस्ट को पहचानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये सारी दवाइयाँ वैसे तो बहुत सारी बीमारियों में दी जाती है, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर पर होने वाला इफेक्ट कई बार नज़रअंदाज हो जाता है, लोग मिस कर देते हैं और उसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट नहीं करते, सही तरह से दवाइयाँ नहीं देते, बीपी के मेडिसिन को बढ़ाते नहीं है, लोग उसके आपस में जो इंट्रैक्शन इफेक्ट को भूल जाते हैं। यदि ये चीज़ आपके सामने रहेगी और उनमें से कोई दवाई अगर आपको चल रही है तो आप उसका ध्यान रख सकते हैं, डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो अपनी बीपी की दवाइयाँ को बढ़ा सकते हैं, बीपी को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करा सकते हैं ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल अगर बिगड़े तो आप उसे प्रॉपरली मैनेज कर सकें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।